वाले मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोविड टेस्ट होगा निःशुल्क, जल्दी आ जाओ। हेलो, ये ठेले वाले सब इधर आ जाओ, भागो मत, तुम्हारा कोविड टेस्ट करवाना है, आ जाओ सब। अरे क्या ये आपकी दुकान है क्या? क्यों? ये आपकी दुकान है क्या? सील करवा दो मैम। हाँ या तो एक कर दे रहा है, काम चल रहा है इसका। देखो ना भैया, भारत के चले जाए के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। बकरी बंद कर, बंद करो भैया, जल्दी बंद करो, बंद करके बंद करके निकल पीछे से। अब बंद कर कोई नहीं खा रहे।
कौन से जगह पे खड़े हैं जो चालान बना था? नहीं, भोपाल स्क्वायर पे तो खड़ा हूँ। हाँ, अभी कितना चालान बनेगा? अभी मेरे को एक आदमी द्वारा चक्रमान पे 500 रुपये का चालान बनाया गया है। COVID-19 का उल्लंघन करने पर उनका चालान ही कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश बतौर, सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर निगम देवास। सर बताइए, जो गुरु कृपा पे कार्रवाई हुई है क्या है? सूचना प्राप्त हुई थी आज के मोती बंगला क्षेत्र में गुरु कृपा फोटोकॉपी की दुकान अंदर से काम कर रहा है, वो शटर बाहर से बंद है, जिसको जाके मौके पर चेक किया। मैं तहसीलदार प्रवीण श्रीवास्तव भी, प्रवीण पाटीदार भी थे और प्रभारी तहसीलदार पूनम तोमर भी मेरे साथ थे। चेक किया तो वो खुली पाई गई दुकान, जिसके विरुद्ध धारा 188 IPC का प्रकरण पंजीकृत किया गया। सर बता रहे हैं कि जाँच भी करी गई है उसकी, कोविड की? हाँ, तो एंटीजन टेस्ट करवाया है, नेगेटिव आया जिसका। और भी हाथ ठेला पर जो सब्जी और फल फ्रूट बेच रहे थे, तो टोटल आज 45 लोगों के सैंपल लिए गए, मौके पर जांच करवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम से, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ठीक सर। मैडम बताइए, आज भोपाल चौराहे आनंद नगर सब्जी के ठेले वाले और क्या कार्रवाई करी, और एक गुरु कृपा किराने की दुकान FIR करवाई क्या? वो जो सब्जी और फल विक्रेताओं को जो कोविड सैंपल लेने की कल से कार्रवाई शुरू कर गई थी, तो आज उसको भी जारी रखा गया। और करीब 15 जो हैं आनंद नगर और सिविल लाइन में 15 जो फल सब्जी विक्रेता हैं, उनके सैंपल लिए गए। इसके अलावा एक फोटो कॉपी की गुरु कृपा की दुकान भी सिविल लाइन में खुली थी, तो उसके ऊपर भी 188 की FIR जो है वो की गई है, और अभी भी सैंपल लिए जा रहे हैं सियाजी गेट पर। अभी तक कितने सैंपल लिए गए हैं? अभी तक 45 सैंपल लिए गए हैं और अभी कार्रवाई जारी है। क्या रिपोर्ट आई उनके 45? अभी तक तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।